नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का डिमांड आया है कि आप कटिंग लगाते हो तो कटिंग लग जाती है उसको भी शेयर कर दिया करो, केवल कटिंग लगाने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा चलो आज जो मेरी कटिंग लगी हुई है या जो लगाने के बाद हो गई है उसको मैं आपसे शेयर कर दूँ। जो कुछ भी मेरे पास है तो उसको मैं यहाँ शेयर कर दे रही हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे जो बल्ब लगाए गए थे वो इस तरह से ग्रो कर गए हैं। साथ ही यहाँ जो है आप प्लांट देख रहे हैं वो कटिंग से लगाई हुई है, यहाँ ढेरों कटिंग लगी हुई है। साथ ही यहाँ आप लक्की बम्बू जो देख रहे हैं ये भी मैंने कटिंग से लगाई थी, और ऊपर में आप देख रहे होंगे इसमें कटा हुआ हिस्सा है, इसको भी काट कर मैंने अलग लगा ली थी। यहाँ पर ढेरों आपको कटिंग दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर आप चाहोगे तो मैं रूट से भी निकाल कर दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी रूट निकालने में मुझे थोड़ा सा भय लग रहा है क्योंकि कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं तभी उन्हें हटाने चाहिए। ये प्लांट जो आप देख रहे हो ये जड़ से इसको डिवाइड करके मैंने यहाँ लगाया था, 5-7 दिन हो गए हैं अभी ये इस तरह का चल रहा है। ये पॉइंसेटिया का जो है ये भी आपका कटिंग से मैंने लगाई थी, 2 लगाई थी या 3 लगाई थी, उसमें से 2 प्लांट सर्वाइव कर गए हैं। साथ ही यहाँ कुछ कटिंग और लगे हुए हैं जो अभी आगे निकले नहीं हैं। ये अश्वगंधा को मैंने सीड से लगाया था, 1 पॉइंसेटिया आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, इसे भी कटिंग से लगाया गया था। ये लक्की बम्बू पानी में मैंने लगा के आपको शेयर की थी, बाद में मैंने इसे जब प्लांटर बनाया है तो उसमें इसको शिफ्ट कर दिया है। कुछ यहाँ पर कलंचोए का है, ये भी कटिंग से ही लगी हुई है। ये भी कलंचोए आप देख रहे होंगे, ये भी कटिंग डाल दी थी मैंने और यूँ ही डाल दिया था, जो गिर गया था उसको, तो ये भी इस तरह से ग्रो कर गया है। दोस्तों, ये जो सीड मैंने आपको पपीते का लगा के दिखाया था वो यहाँ है, ये प्लांट बन गया है। और ये आपका जंगल जलेबी का है, ये हरसिंगार का सीड जो हम लोग लगाए थे वो है, और हरसिंगार का जो मुख्य पौधा जो लगा के आपसे शेयर की थी वो यहाँ है। साथ ही आप और भी देखोगे यहाँ भी मैंने सीड डाले थे कुछ हरसिंगार के, वो हो गए हैं, और ये फालतू वाले भी इसमें आ गए हैं, फालतू वाले भी आ जाते हैं। दोस्तों, ये बेल की मैंने पूरी जो लगाई थी सीड वो ऐसे ग्रो कर गई है, और इसमें लगता है मुझे कि कीड़े भी लग गए हैं, इसे देखने होंगे। दोस्तों, आप सामने वहाँ देख रहे होंगे एक गमले में पानी भरी हुई है, ये बरसात का कमाल है। वर्षा में इस तरह से अगर चेक ना करें आप अपने ड्रेनेज होल को तो इसी तरह से उसमें पानी भर जाते हैं। इसकी मुझे ड्रेनेज होल खोलनी होगी, लगता है इसका ड्रेनेज होल बंद हो गया है। दोस्तों, इस बात का बरसात में आपको ख्याल रखनी है। साथ ही कुछ कटिंग्स यहाँ लगे हुए हैं जो मैंने आपसे शेयर की थी, उसकी स्थिति इस तरह की है, आप देख लें। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं शमी का, हालांकि मेरा हाथ इसमें चला जा रहा है, कटिंग लगाने के बाद उसको बार बार छूना नहीं चाहिए, ये शमी की कटिंग है। और इस तरह से ढेरों कटिंग अभी और मुझे आपसे शेयर करनी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पान की मेरी कटिंग है, ये इस तरह से अब पौधे तैयार हो गए हैं। दोस्तों, ये है हरसिंगार का कटिंग, वहाँ मैंने जो दिखाया था आपको सीड से बना हुआ था, यहाँ मैंने कटिंग लगाई थी, आप देख रहे होंगे यहाँ, तो ये कटिंग से ग्रो किया है। और आपने कहा है कि आप रूट निकाल करके मैं सोचती हूँ कि दिखा दूँ ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ, इस तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं इसको रूट निकाल कर आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि आप भी हिम्मत करें कि हाँ, इस तरह से पौधे कटिंग लगा देने के बाद फिर प्लांट बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बहुत जल्दी ना हटाएं, कुछ समय दें उनको सेट करने के लिए, इसके बाद आप हटाएं, बहुत अंदर तक लगता है कि निकल गई है।
ओफ ओफ, अभी भी अच्छी रूट नहीं आई है इसकी, बस हल्की सी मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है। अभी भी अच्छी रूट नहीं कह सकते हो आप इसको। मैंने इसको थोड़ा समय से पहले निकाल दिया। मैं दोस्तों ये भी आपसे शेयर करने वाली थी कि क्यों आपके कटिंग खराब होते हैं। अभी इसको मुझे और समय देनी चाहिए। पत्ते आ जाने से लगता है कि मेरे प्लांट बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तब तक वो रूट तैयार ही नहीं होता है। देखो इसमें नन्हे से रूट निकले हुए हैं, नन्हे से दो तीन दिखाई दे रहे हैं। और इस हालत में तुरंत का तुरंत मत निकाला करो। जब ये थोड़े बड़े हो जाएं कुछ और, तब जाकर इसको शिफ्ट किया करें। दोस्तों तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।